राम राम ने बे सारी बाणा ने सारे बहन भाइया ने राज में बनाने जा रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि इसके पापा की तबीयत खराब है तो डॉक्टर ने बोला हल्का खाना खाओ, नहीं तो मैंने कढ़ी बना रखी थी और आटा भी गूंदने के लिए तैयार थी, लेकिन ये कहने लगे कि ये डॉक्टर ने बोला है कि हल्का खाना बनवाओ, तो हल्का खाना बेबी खिचड़ी बना रही हूँ मूंग चावल की। चावल डाल दिए हैं और एक चम्मच उसमें बड़ी सब्जी वाली मैंने दाल डाल दी है मूंग की हरे की। अब मैं डाल रही हूँ इसी के अंदर नमक, तड़का नहीं लगाऊ बेबे, छोंक नहीं लगाते हैं ना इसमें, इनको टाइफाइड हो रखा है और दवाई खूब ले ली, आराम ना मिल रहा। तो बेबे ये बनाओ ही इंजेक्शन लगा हरी, बढ़िया डॉक्टर के पास पहुंचे हैं, क्योंकि पहले तो नहीं सोचते हैं आदमी, हम कैसा भी सोचते हैं कि दिखा आराम लग जाए ऐसे से, लेकिन इनको नहीं लगा। अब हाई फाई डॉक्टर के पास 5 दिन की बोल रखी उसने दवाई, तो वहां ले रहे हैं, 5 दिन में ही ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा आशीर्वाद हो या तो बहन हो जाएंगे ठीक बढ़िया तरिया। तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी, फिर बनाऊंगी मैं रोटी कुट्टू के आटे की, तो कैसे बनाऊंगी वे आपने देखना होगा आगे। ये मैं इसको रख देती हूँ एक बार बनने के लिए और उसको देखियो। और भैया दो ब्लॉग है मेरा, ये है उसने एक बार सारे भाण जाके सब्सक्राइब कर दो बेबे, मेरी वीडियो के नीचे जो मैंने हेल्प मांग रखी है ना आपसे, तो उसी के नीचे मैंने कमेंट भेज रखा है, इव लिंक ना भेज सकते तो बेबे उस कमेंट ना उठा लो, ब्लू कलर में है यादव वाई सी, तो उस पर जाके सारे भाण एक बार अपना सहयोग दे दो बेबे, साथ दिखा दो मने, तुमने बहुत दिया है मेरा, ये आगे भी दोगी बेबे, सारे बिना मैं कुछ ना हूं। और इसमें मैं थोड़ा घी डालना चाहूं थी, फिर बढ़िया ही बन जाएगी, वैसे घी तो नहीं डालते पर केक में थोड़ा डालूंगी, इससे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा बढ़िया। हाँ वैसे एक चम्मच डाल दिया, और तो क्या डालो इसमें, और ये कच्चा जीरा डाल दो, और खिचड़ी बनेगी वे एक नंबर की, जो सी बाण ना आना हो वे सका जियो खान के लिए, क्या बता दियो मैंने, ये लगा दी है। अब मार देगा सिक्की, अब मैंने फटाफट काम करना है, क्योंकि मैंने एक बार शॉप पर भी जाना है, मच्छर ज्यादा हो रही है, बच्चे पढ़ाई करा नहीं, इनको काटते रहते हैं, एक बाबा ले आऊंगी, ये मैं कुट्टू का आटा गूंद रही हूँ, ये वाला देखो वो सिंगाड़े का आटा भी है बेबे, उसको नहीं कहा बीमार बेमूर हो जाए है तो वह ना वो करती, मैं तो कुट्टू के आटे की खा लिया क्रांत व्रत में। वैसे रोटी तो इसकी बाजरे जैसी बनती है, तो इसको मैं कैसे बताऊंगी तुम देख लियो, कई बार नहीं कहा ना हमने ना बनानी आती, हमने ना बनानी आती, मैंने भी ना हमें थी सिक्की है बेबे पन्नी पे, मैंने भी किसी पे सिक्की थी, और मैं तुमने सिखा रही हूँ, आज दिखाऊंगी मैं, उस दिन तो मैंने बताया था मखा बेबे जो रोटी ना बनानी आवे तो आप पन्नी पे बनाया करो, तो आज मैं तुम्हें कती बनती हुई दिखाऊंगी, तो आप सारी भाण जरूर देखिए। इसका आटा है ना थोड़ा ढीला कर लियो, गिल सा मतलब ज्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि फिर तो कभी टूट टूट के पड़ेगी। बाजरे में तो देखिये हम जब आटा पीसता हाँ तो उसमें मिला ला हाँ कुछ गेहूं का आटा, इसमें तो बिना मिलता, ये आटा गूंद दिया है, ये
भी एक कड़ी बना रखी थी, मैं खाली रोटी बनाऊंगी तो मैंने सारा एक ही बनाया दी खिचड़ी। खिचड़ी में इस पर रख दूंगी तो वे को धो दूंगी। वे बत्ती थे ना, और हाँ बत्ती थी है। इसी पन्नी भी ले लियो, अगर किसी ना उसी ना मिले ना सूटो वाली पन्नी या टाइट तो ये पन्नी ले लियो, इस पर भी बढ़ जाएंगी। बढ़ा के दिखाऊंगी मैं आपने। और इस पर भी बढ़ जाएंगे सारी पन्नी साथ है। इस पर मैंने कल बनाई थी तो ले इस पर ही बना देती हूँ। देख जैसे ये पन्नी है, ये पन्नी ले ली। बाजरे की रोटी भी, मक्का की भी और कुट्टू की भी नहीं बनानी आती तो ये देखिए इस पे पन्नी ले ली। इस पे मैंने घी लगा लिया, चिकना तेल का रिफाइंड का जो भी आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। और ये बना दिया है मैंने पेड़ा, इसका रोटी का बिल्कुल टूट टूट के पड़ रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगी हाथ की सहायता से। इस पर बेलन नहीं चलेगा मैंने, ये चलता है इस पे। और मैं एक तुम्हें रोटी बनानी सिखाऊंगी, कैसे बदाऊंगी इसको फिर, और कैसे तोए पर डालूंगी आप देख लियो। बस इसको हाथ की सहायता से इस प्रकार बनाते रहो, जितनी बड़ी आपने बनानी है उतनी बना लो। ज्यादा पतली रोटी बनती है ना ये खाई नहीं जाती, चुभती है फिर दांतों में। तो अब ये बन के होगी है चार रोटी, ये देखिए। मैं इसकी तार दू मैं फोटो इस पर। पोहा भी हो गया है गरम ज्यादा, इसको कम कर दिया है। वो बता के दे रही है ये दूसरी रोटी है, ये भी इसको दूसरी सीट पर बना रही हूँ दूसरी तरफ से। तो आप इसको भी देखिए, वो तो ज्यादा पतली बना दी थी, ये थोड़ी इससे ही बनाऊंगी, छोटी बनाऊंगी मोटी बनाऊंगी, क्योंकि ये चबाई नहीं जाती फिर वो टाइट हो जाती। मैं सोचती हूँ ये सिकी नहीं है और ये दिखती नहीं, लाल नहीं होती, ऐसे लगती है जैसे कच्ची कच्ची रोटी है। ये देखो ये भी बन गई है, ये भी इसको निकाल लेते हैं। ये डाल दी हुई रोटी, इसको पलटा देंगे हम इससे, पलटे से पलटेंगे रोटी को। ओहो टूट गई थी, बच गई कती, थोड़ी थोड़ी बची है बाल बाल, रोटी टूट गई थी मुझके। देखो ये ऐसा ऐसा कलर है इसका, ऐसे काली काली सी रोटी दिखती रहती है। दूसरी रोटी वो कर लेते हैं। अब दूसरी बनाने के लिए हमने फिर इस पे थोड़ा थोड़ा घी लगाना पड़ेगा।
ये भी ये मत कहा करो, में बाजरे की नहीं आती और मक्की की नहीं आती है, बता दिया है मैं भाई। चिकना हाथ लगाओ या पानी का उससे बनेगी। अभी मैं दूसरी बना रही हूँ, जय बार भी वो बढ़ाओ जो भी इस पे वो लगा लो। देखो इसके है ना इस तरफ से बनाए हैं रोटी, इस तरफ से सफेद बल से ना भैया टूट गई थी बनी नहीं थी। और चिंता भी खुल गया देखो पूरी लाल हो गई एक तरफ से तो, और एक तरफ से कच्ची कच्ची दिख रही है, लेकिन कच्ची नहीं होती है, ऐसी बनती है फिर चबाई जाती है, ज्यादा ही सक जाती है ना इसलिए। ये मक्की की, बाजरे की, कुट्टू के आटे की रोज रोटी बनाया करो, खाया करो मजे से। वैसे भी सर्दी आ गई है, ये दूसरी रोटी पलटने जा रही हूँ पलटे की सहायता से, ये भी पलटती है देखो। ये मेरे को बहुत अच्छा तरीका लग गया था क्योंकि मेरे को भी नहीं आती थी पहले बाजरे की रोटी बनानी, और ये तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ती थी। तो जिस बार तो बिना बढ़ती हो तो कुट्टू की आटे की रोटी कैसे बनाएं, यहाँ दाचमनगढ़ फैमिली पा के जरूर देखोगे वैसे। और चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और शेयर कर दिया करो कि कुट्टू की रोटी कैसे बनाते हैं। तो राम राम, मैं ऐसे ही बनाऊंगी सारी।